मुंबई पुलिस को आया मीरा भाईंदर में बम विस्फोट की धमकी भरा फोन। आला पुलिस अधिकारी का आया फोन। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर प्रवीण पडलकर को रविवार और सोमवार की दरमियान रात को 2 बजे मीरा भाईंदर में संभावित बम विस्फोट की धमकी का फोन आया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कॉल करने वाले ने खुद को यशवंत मानी के रूप में पहचान करवाई। जब अधिकारी ने उससे और पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए फोन काट दिया। उसके बाद IPS पडवलकर ने कंट्रोल रूम को फोन कर इस बाबत जानकारी दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मीरा भाईंदर पुलिस को सूचित किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस और मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस दोनों मामले की जांच कर रहे हैं। फोन करने वाला शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा था, इससे ये माना जा रहा है कि जो नाम उसने अपना बताया वह भी फेक है। यहाँ तक कि फोन करने वाले का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने मीरा भाईंदर शहर में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाजार, कार्यालय, धार्मिक जगहों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर गश्त तेज कर दी है। पुलिस की जांच अभी चल रही है। पुलिस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने से मना किया है। मीरा भाईंदर को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस कोई चांस लेना नहीं चाहती है। इस तरह के फोन या अफवाहें मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस के लिए कुछ नई बात नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है ऐसे सारे मामलों से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि हमेशा से ही महाराष्ट्र किसी भी तरह से इन सब निशानों पर रहता है और कई बड़े हादसे भी मुंबई और महाराष्ट्र में हो चुके हैं। इसके लिए पुलिस कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है। अब यह जांच ही पता चलेगा कि यह अफवाह थी या सही में इस तरह की खबरों को अंजाम देने के लिए कॉल किया गया था।